हल्द्वानी में सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। इस मंडल का उद्देश्य प्रदेश भर में व्यापारियों के हित की रक्षा करना है। प्रदेश पदाधिकारियों ने बताया कि मौजूदा व्यापार मंडल चाटुकारिता और अधिकारियों की गणेश परिक्रमा में लगे रहते हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना की गई है। प्रदेश के दोनों मंडलों में कार्यकारी सदस्यों को जिम्मेदारियां दी गई है और अब प्रदेश में व्यापारियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। व्यापार मंडल का उद्देश्य हमारा केवल एक आज प्रेस करके या आज बना करके इसको आज नहीं करना, हमें केवल पूरे प्रदेश में हमको इसको लेके जाना है। और जो बताया था ना, हमारी योजनाएं जो हैं व्यापारी हितों के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम करना और होना में बड़ा अंतर है। धरातल पर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारा व्यापार मंडल क्या कोई भी व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। आज सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का ये पहला कदम है और आज हमारे प्रदेश की टीम की घोषणा हुई है और हमारा संकल्प है कि दूर दराज के क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हमने काम करना और उनके लिए संकल्पबद्ध रहना, ये सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल का काम है। और दूसरी बात, हम सशक्त एकता उद्योग व्यापार मंडल के सारे लोग, हम जो दूरस्थ क्षेत्र के गरीब लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग व्यापारी हैं, उनके लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।